हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या कबूतर पालना शुभ है या अशुभ है। तो डॉक्टर दोस्तों, मैं डिटेल में आपको पूरी बात बता दूंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, आप खुद ही इस काबिल हो जाओगे कि हाँ कबूतर पालना शुभ है या अशुभ है, आप खुद ही क्लियर कर लोगे अपने माइंड में। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो, हम कबूतर खरीद कर लेकर आते हैं, पालतू कबूतर दो दिन बाद छोड़ देते हैं, भागते नहीं हो, खिलाते पिलाते अपना फ्री रहते हैं वो। और अगर आप जंगली कबूतर पकड़ते हो तो वो तो गलत बात है, उस पर आप गुनाह का काम करते हो, पाप का काम करते हो जंगली कबूतर पालते हो तो, क्योंकि उनका बिहेवियर में नहीं है कि पालतू बन गया है। तो ये तो हो गया, कबूतर को दाना पानी खिला रहे हो तो ये अच्छा काम ही कर रहे हो, कोई बुरा काम नहीं कर रहे। कबूतर को दाना पानी खिला रहे हो तो किसी भी धर्म में आप देखोगे तो किसी जानवर को, पक्षी को दाना पानी खिलाना ये गलत काम नहीं है, अशुभ नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट कि ये इससे लोग बिगड़ जाते हैं कबूतर पालने से, तब कबूतर में आप 24 घंटा 12 घंटा इसी में लगे रहोगे तो ये तो गलत ही है। जैसे आप कुछ कुछ पालते हो, बकरी पालते हो, मुर्गी पालते हो, कुछ ही पालते हो, कुत्ता पालते हो, बिल्ली पालते हो, तो 24 घंटा उसके अंदर तो नहीं लगे रहते ना आप। हाँ सुबह खिला लिया आधा घंटा, शाम को खिला लिया, और फिर चाय खिला लिया। तो कबूतर भी वैसे ही आपको करना है, सुबह आप आधा घंटा खोल देंगे, दाना पानी खिला दिया, बंद कर दिया, शाम को आपने दाना पानी खिला दिया, बंद कर दिया, और इसी में 24 घंटा इसी में लगा रहोगे कबूतर पकड़ने में, छत पर 24 घंटा कुछ काम नहीं करोगे, ये तो गलत ही है। फिर लोग कहते हैं कि हाँ कबूतर पालने से घर में रोजी रोटी नहीं आती, लोग बिगड़ जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये आपकी गलती होती है, ये कबूतर पालने की गलती नहीं होती। आप मान लो कुत्ता पाल ले, कुत्ता पाल लो और 24 घंटे उसी वक्त लग रहे हो, तो फिर ये भी कह लेंगे लोग भाई कुत्ता पालना गलत है, बिल्ली पालना गलत है, और 24 घंटा उसी पर लगे रहोगे तो वो गलत होती है चीज़। तो कबूतर लेके आ रहे हो, सुबह खिला दिया, आधा घंटा टाइम दे दिया, शाम को आधा घंटा टाइम दे दिया, बहुत है। संडे को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, फ्री होता है, ऑफिस की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, और कारोबार में भी आप छुट्टी जिस दिन मिलती है आप सब टाइम दे सकते हो। ये नहीं कि आप 24 घंटा छत पे बैठे हो, 12 घंटा दिन में कबूतर पकड़ रहे हो, ये कर रहे हो, किसी लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो किसी भी सूरत में कबूतर पालना अशुभ नहीं है दोस्तों। किसी भी धर्म में आप जाकर देख सकते हो, किसी भी पंडित से या कुछ मौलवी से जाकर पूछ सकते हो, वो मना करेंगे, क्योंकि क्योंकि आप दाना पानी खिला रहे हो, अच्छा काम ही कर रहे हो, दाना पानी खिला रहे हो, अच्छा काम ही कर रहे हो, तो आप ये गलत कैसे हो सकता है। आप खुद अपना माइंड चलाएं, आप गलत ये इसलिए हो जाएगा कि लोग बिगड़ जाते हैं कि हाँ छत पर 24 घंटे ऊपर ही रहेंगे, हाँ किसी का कबूतर पकड़ लिया, ये कर लिया, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, तो ये गलत है। अपना कबूतर पाल लो, जिस दिन पालो 8-10-2 कबूतर अपना सही से पालो, और सुबह टाइम दो 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा से ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, शाम को आधा घंटा, सुबह आधा घंटा। अगर बड़ा लॉक बढ़ा दिया तो उसमें कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है, अंदर दाना पानी रख दो, खाते रहेंगे, एक कमरे में लॉक बढ़ा दिया, आराम से, कुछ टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कबूतर पालना शुभ है या अशुभ है, कब गलत हो जाए, कब सही हो जाता है। वीडियो कैसी लगी जो कमेंट करके बताना।